सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमि मुखम वर्धितम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे तत्वेषु कार्यो नमस्ते नमस्ते। अर्थात ये प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमन करता हूँ, तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। महामंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे ही कार्य में मेरा यह शरीर अर्पण हो, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। यह उस प्रार्थना की शुरुआत है जो विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के हर कार्यकर्ता द्वारा नियमित रूप से गाई जाती है। हम बात कर रहे हैं पराधीन भारत में 27 सितंबर 1925 अर्थात विजयादशमी यानी दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। आज विश्व के तकरीबन 80 से ज़्यादा देशों में सक्रिय 56,559 शाखाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील यह संगठन जब अस्तित्व में आया था तो कुल 17 लोग उस दिन मौजूद थे। कुछ लोग जो यह मानते हैं कि यह संगठन अधिनायकवादी है, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्थापना के बाद इस संगठन का नामकरण भी लोकतांत्रिक पद्धति से हुआ था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 17 अप्रैल 1926 को कुल 26 लोगों की बैठक में 3 नाम प्रस्तावित किए गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरी पटका मंडल और भारतोद्धारक मंडल। 20 वोट संघ के पक्ष में आए और उसके तहत या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात RSS, या जिन्हें लोग सरल शब्दों में संघ कहके ही अभिव्यक्ति कर लेते हैं, वह अपनी स्थापना के 95 साल पूरे कर चुका है। आज हम इस संघ के संदर्भ में ही बात करने वाले हैं, बदलता दौर संघ किस और। संदर्भ इसलिए है कि अभी हाल ही में संघ की सबसे बड़ी कार्यकारिणी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक अपने 95 साल के इतिहास में पहली बार मुख्यालय नागपुर से इतर बेंगलोर में हुई और वहां पर एक बड़ा परिवर्तन जो हुआ वह सर कार्यवाह के तौर पर पिछले 12 वर्षों से जिम्मेदारी निभा रहे भैया जी जोशी के स्थान पर दत्तात्रेय होसबले जी को नया सर कार्यवाह नियुक्त किया गया, चयनित किया गया, मनोनीत किया गया, जिस भी रूप में समझे, लेकिन कुल मिलाकर अब संघ के दैनंदिन के कार्य होसबले जी के नेतृत्व में होंगे। क्या कुछ बदलेगा इस परिवर्तन के साथ? जो नए दायित्व संघ के अंतर्गत दिए गए हैं, क्या उस छवि को बदल पाएंगे जो एक बड़े हिस्से में संघ के संदर्भ में सवाल बनकर देश के वातावरण में घूमते रहते हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संघ यानी संगठन, तो संगठन को ही समर्पित हमारा विचार सूत्र महाभारत से लिया गया है और वो विचार सूत्र ये कहता है कि महान अपि एक जो वृक्ष बलवान सुप्रतिष्ठा प्रस्तय एव वातेन सस्कंदो मर्दितम क्षणात्, अर्थात अतः ये सहिता वृक्षा संघशा सुप्रतिष्ठित ही शीघ्रता मान वातान सहन्ते अन्यो संश्रयपात, अर्थात अकेला वृक्ष महान बलवान और सुदृढ़ होने पर भी वायु के द्वारा बलपूर्वक स्कंद सहित अर्थात जड़ सहित उखाड़कर फेंका जा सकता है, परंतु जो वृक्ष मिलकर संगठित रूप से रहते हैं वे तीव्र आंधी को सरलता से सह लेते हैं। वेदव्यास जी ने महाभारत के उद्योग पर्व में यह सूक्त हमें दिया। संगठन इस विचार को लेकर ही सक्रिय है। तमाम झंझावात संघ के इस 95 साल के जीवन में आए हैं, प्रतिबंधों का सामना भी किया, सवालों को भी सामना किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ संघ का कार्य, संघ की शक्ति और संघ के साथ जुड़े हुए लोग सभी कुछ बढ़ता ही चला गया। क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण से यह विस्तार निरंतर देखने को मिल रहा है, पर उसी के साथ साथ सवाल भी। कई लोग इसे अधिनायकवादी मानते हैं, कई लोग फासिस्ट मानते हैं, कई लोग नाजीवाद से प्रेरित मानते हैं। तो इन तमाम सवालों के उत्तर खोजने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, जिनकी एक पहचान ख्याति प्राप्त अस्थि रोग विशेषज्ञ की है, वह हमारे साथ में। बतौर संघ विचारक दीपक शर्मा जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संघ की रीति और नीति के संदर्भ में वो आज हमारे साथ कार्यक्रम में प्रकाश डालेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र प्रशांत पोल जी जबलपुर से हमारे साथ में हैं। जिस संघ को समझने का सबसे सरल तरीका है पांचजन या ऑर्गेनाइजर को पढ़कर, तो उस पांचजन के संपादक हृदय शंकर जी आज खास तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। और समय जिन सवालों के उत्तर चाहता है उन सवालों को पूछने के लिए हमारे साथ में देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार श्रवण गर्ग जी खास तौर पर मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। पर चर्चा की शुरुआत हम पूर्णेंदु सक्सेना जी से करते हैं और पूर्णेंदु सक्सेना जी से समझना चाहते हैं
दत्तात्रेय होसबले जी नए सरकार्यवाह चयनित हुए, निर्वाचित हुए, मनोनीत हुए, सवाल है, उत्तर आपसे अपेक्षित है। संघ की रीति नीति है हर 3 वर्ष में एक बार निर्वाचन होता है। संघ का सबसे शीर्षस्थ निर्वाचन का पद यह सरकार्यवाह का पद है और इस वर्ष भी प्रतिनिधि सभा में संघ की चुनाव पद्धति के अनुरूप भैया जी ने अपने विचार रखे, जो सहयोग उनको इतने वर्षों तक मिला उसका उल्लेख किया और उसके बाद उन्होंने वह पद छोड़ दिया। चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए, बड़ी सभा में प्रस्ताव मांगे गए, विभिन्न क्षेत्रों से संघ चालकों ने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने माननीय दत्ता जी के नाम का और प्रस्ताव किया, अपेक्षित संख्या में अनुमोदन प्राप्त हुए और समय दिया गया। अन्य किसी भी नाम का प्रस्ताव न होने पर चुनाव अधिकारी द्वारा माननीय दत्ता जी को निर्वाचित घोषित किया। यही संघ की पद्धति है, उसका मैंने आपको विवरण यही संघ की पद्धति है। अगले सवाल के लिए मैं संघ विचारक के तौर पर दीपक शर्मा जी के पास जाता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ दीपक जी कि कोई इतिहास पलटकर पन्नों से आप बता सकते हैं जिसके अंतर्गत निर्वाचन कभी होता हुआ महसूस हुआ हो, ये पद्धति बताई गई पर किन्हीं दो लोगों के बीच में चुनाव हुआ हो और उसके तहत कोई जीता और कोई हारा हो, ऐसा कोई घटनाक्रम संघ के अंतर्गत आपके स्मरण में हो ताकि ये भरोसा बन सके कि वाकई निर्वाचन होता है, मनोनयन नहीं होता, क्या कोई उदाहरण आप साझा कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए ताकि संघ के संदर्भ में जो सवाल है उनका कोई उत्तर मिल सके। जी दीपक जी, दीपक जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपक जी तो शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, मेरे साथ में प्रशांत जी हैं, शायद प्रशांत जी इस उत्तर का कोई नहीं। मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ तो ये संघ के निर्वाचन का सवाल है जी। ये जो निर्वाचन है ये संघ के संविधान के अनुसार है जी, और वो भी लिखित संविधान है जी। और हर 3 वर्ष में वो नीचे के स्तर से लेकर प्रांत में, क्षेत्र में और अखिल भारतीय स्तर पर ये निर्वाचन होता है जी। पर आप किसी और संगठन से इसका तुलनात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ये जो निर्वाचन है ये निर्वाचन दायित्व का है मूलतः। तो दायित्व लेने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो और वो चाहे तो स्वागत सबका है, प्रावधान उसका है, पर सामान्यतः इतने वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा हो। हाँ नीचे के स्तर पर कुछ लोग बाग ऐसा करते हैं और वो आते हैं तो निर्वाचन भी होता है उसमें, ऐसी कोई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मुझे लगता है कि ये एक दूसरों के लिए एक आदर्श की भी स्थिति है कि कोई संगठन में इस प्रकार से निर्वाचन होता है जहां पर लगभग सर्वसम्मति से सारी चीजें आती है और वो कोई बहुत ज्यादा प्रचार का विषय नहीं होता है। ये कोई प्रचार का विषय नहीं होता है ये कहना है दीपक शर्मा जी का, लेकिन मैं हितेश जी आपके पास आता हूं। हम इसी सामाजिक परिवेश में रहते हैं जिसका संघ भी एक हिस्सा है, यहां पर लोग एक पंच बनने के लिए भी मारामारी मची रहती है, सब में ही कर्तव्य परायणता है, सब में ही जनकल्याण है, सभी लोग हित के लिए मरे जा रहे हैं और फिर भी चुनाव के संदर्भ में मैं नहीं तू नहीं इसकी द्वंद्व को देखते हैं। ये संघ में ऐसा क्या है जिसके चलते 95 साल के इतिहास में मैंने सवाल कर लिया, भाई एक तो कोई निर्वाचन बता दो जिसके अंतर्गत दो लोग परस्पर खड़े हुए हों, माननीय ये खड़े हुए, माननीय खड़े हुए और देश ने तय किया, जो पूरे देश भर से प्रतिनिधि आए थे कि नहीं नहीं हम इनके साथ, ऐसी कमाल की चीज होती कैसे है थोड़ा समझाइए ना, और बाकी देश के लोगों को आप इसके लिए राजी क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिमांशु जी आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है यहाँ से संघ को समझने की एक दृष्टि भी खुलती है जी, कि संघ को हम देख किस समय पर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। अगर उसे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो कॉन्टेस्ट होता है उसी की तरह से हम संघ को समझने की कोशिश करें, ये पहली बात। और आप जैसे सह सरकार्यवाह या सरकार्यवाह की बात कर रहे हैं, वहां पर जो चुनाव की बात की, ये संघ में सबसे छोटे स्तर पर भी आपको देखना चाहिए, आपके गली पड़ोस मोहल्ले में जो शाखा लग रही होगी वहां पर अगर किसी को घटनायक या गण शिक्षक की जिम्मेदारी देते हैं तो वहां पर भी आपको
उससे, क्योंकि ये पद नहीं है, दायित्व है, उससे बचते हुए लोग मिल जाएंगे कि मेरा इतना समय जाएगा, इतनी मेहनत जाएगी, आप किसी और का नाम दे दीजिए। तो सबसे छोटी इकाई जो गटनायक है, वहां से मैंने अनुभव किया है कि इसके लिए हम अपना सब कुछ देंगे मगर आप पद हमें मत दीजिए, ये एक अबूझ तो नहीं कहूंगा मैं, मगर ये अनूठापन संघ के पूरे पूरे तंत्र में, पूरे पिरामिड में, अगर आप कहेंगे रचना में, ये दिखाई देता है। और खास तौर से जब हम कहते हैं कि एक सामाजिक संगठन है, तो सामाजिक संगठन का स्वरूप कैसा हो सकता है, समझ कैसे हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, ये उसका भी उदाहरण है। और तीसरी बात कि ऐसा आपको कॉन्टेस्ट की स्थिति क्यों नहीं दिखाई देती, ये सवाल फिर भी आता है जी। कि कोई एक नाम आया और आप उस पर सहमत कैसे हो जाते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ कि ये जो प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, एक तो मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, आपने कहा कि पहली बार मुख्यालय से बाहर हुई, जो मुख्यालय से बाहर, नागपुर से बाहर तो ये बैठक होती ही है, मगर 3 वर्ष के बाद जो बैठक होती है वो नागपुर होती है, वो पहली बार नागपुर निर्वाचन के संदर्भ में। हाँ, निर्वाचन के संदर्भ जी। तो जो जो ये बैठक होती है, इसको करने का जो तरीका है वो भी एक, मैं समझता हूँ, संवाद और समझ बढ़ाने के तरीका, इसका अगर थोड़ा सा फॉर्मेट समझेंगे तो वो बात पता चलेगी। ये चक्रीय पद्धति से होती है, यानी कि जो सबसे सीनियर हैं वो सबसे पहले आते हैं और सबसे जूनियर जो अपेक्षित है बैठक में वो सबसे बाद में आते हैं जी। और उसके बाद जब बैठक पूरी होती है तो जाने का क्रम भी ऐसा ही रहता है, जो 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 सबसे बाद में आए हैं वो सबसे पहले जाते हैं और जो सबसे पहले आए थे उन्हें सबसे अंत तक रुकना पड़ता है। यानी कि आपके पास जैसे जैसे संघ की अगली कड़ियां आती हैं, समझ और संवाद के लिए बैठकों का दौर, गुंजाइश की दौर ये रहती है। ये प्रक्रिया की बात है जिसे समझने पर समझ आता है कि कॉन्टेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पास हर बार एक नया गठ जुड़ रहा है, उससे चर्चा हो रही है, चर्चा में नाम हर चरण में एक नाम बढ़ता जा रहा है, तो बाकी जगह पर चीजें जो आपको नारेबाजी या दूसरा कोई सामने खड़ा होना, ऐसी चीजों की संभावना खत्म हो जाती है। वरिष्ठता के साथ लोग जुड़ते हैं और अपनी समझ का दायरा वो हर चरण पर संघ बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि और नामों पर चर्चा नहीं हुई होगी या ऐसा होगा, परंतु वो जिन समूहों में चर्चा होती है उसके बाद सहमति से एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते जी। बड़े सुंदर तरीके से हमें हितेश शंकर जी ने बताया कि पद्धति किस तरीके से, और जिसके तहत एक राय बनकर एक निर्णय पर पहुंचा जाता है, और इसलिए इतने लंबे समय में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आ पाया जिसके अंदर निर्वाचन को परस्पर मुकाबले के तौर पर व्यक्त किया जा सके। लेकिन एक जो बात जानने की है वो प्रशांत पोल जी के पास बताओ। प्रशांत जी, भैया जी जोशी का कार्यकाल 4 बार दिया गया, 12 साल रहे, अब जब सम्मान्य दत्तात्रेय होसबोले जी कार्यभार संभाल रहे हैं, किन अपेक्षाओं के साथ संघ उनके साथ उम्मीद कर रहा है, देश क्या उम्मीद कर रहा है, इस पे तो हम श्रवण जी के पास जाएंगे, पर आपसे जानना चाहते हैं कि बतौर स्वयंसेवक मौजूदा दौर में जिन विचारों को लेकर आप काम करते थे, आपके विचारों का पोषण करने वाली सरकार इस समय अस्तित्व में है, तो किस उम्मीद के साथ में संघ के स्वयंसेवक इस परिवर्तन को देख रहे हैं, थोड़ा रोशनी डालेंगे? कुल देखिए, ऐसा है कि संघ में जी हम हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति बहुत महत्व का नहीं होता है, पूरी सारी संघ की जो पद्धति, जो रचना बनी हुई है जी, वो इस प्रकार की है कि एक टोली, एक टीम मिलकर हम सब काम करते हैं। तो माननीय भैया जी जब हमारे सरकार्यवाह थे तो जिस पद्धति से संघ चल रहा था उसी पद्धति से माननीय दत्तात्रेय जी के आने के बाद भी संघ वही चलेगा, क्योंकि संघ के जो शाश्वत मूल्य कहिए या शाश्वत जो सोच है वो तो वैसी बनी हुई है। लेकिन क्या होता है कि किसी भी संगठन में, किसी भी धारा में नवीन नवीन प्रवाह आना बहुत आवश्यक होता है जी। और इसीलिए माननीय दत्तात्रेय जी एक नवीन प्रवाह है, और इसलिए जब दत्तात्रेय जी का निर्वाचन हुआ तो हमारे सह सरकारवाह माने सुरेश सोनी जी ने कहा कि होसबले जी का अर्थ होता है कन्नड़ भाषा में मधुर, होस और बाले मतलब केला जी। तो उसमें मतलब केला और नयापन, होस बाले मतलब नया और बाले मतलब केला जी। तो केले में जैसी मधुरता है वो मधुरता और एक नयापन ये संघ में आएगा, और संघ में इस प्रकार का नयापन हमेशा आता रहता है, ये प्रवाह निरंतर चलता रहता है। उसी दृष्टि से हम लोग सब इस निर्वाचन को देखते हैं। लेकिन ये नयापन किस रूप में होगा? 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद से इस देश में एक वर्ग मौजूद है जो स्वयंसेवक संघ को निशाने पर रखता है,
कितने ही लोग आए, कितने लोग ही चले गए, पर संघ आज भी उन प्रश्नों से उबर नहीं पाया। आज भी गोडसेवादी के तौर पर संघ को चाहे जो बयान देकर जोड़ देता है, आज भी संघ के संदर्भ में आज़ादी के आंदोलन में योगदान को लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं। तो नया प्रवाह कितना भी आया पर उन सवालों के समुचित उत्तर शायद अभी तक समाज को मिले नहीं। प्रशांत जी, क्या हसबोले जी के आने के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि संघ इन सवालों का उत्तर मुखर रूप से दे पाएगा? नाथूराम गोडसे, सावरकर के साथ ही हिंदू महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता, लेकिन छाप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतना लंबा अवधि बीत जाने के बाद भी संघ इन सवालों को साफ क्यों नहीं कर पाया? देखिए, ऐसा है, हमारे जो पूर्व सरसंघ चालक जी थे जी, पूज्य बाला साहब जी देवरस, वो हमेशा कहते थे कि किसी सोए हुए व्यक्ति को तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का ढोंग करता है उसको तो आप नहीं जगा सकते। तो जो जो लोग ये आरोप करते हैं उन सब लोगों ने वो न्यायालय की जो सारी निर्णय है और सब कुछ है वो सब देखा है जी। तो जिसने, जिस पद्धति ने, इस व्यवस्था ने, संविधान ने, न्यायालय प्रणाली ने संघ को निर्दोष कहा है जी, जिसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, उसके ऊपर लगातार आरोप करना है तो उनकी एक मानसिकता है जी। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि नवीनता कहां दिखती है कि यह सब जो आरोप हो रहे हैं जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 1947 में संघ क्या था जी, और आज जब हम 2021 में बात करते हैं तब संघ क्या है जी। आज संघ लगभग सारे देश में और सारे गांवों तक, अधिकतम गांवों तक पहुंच गया है जी। संघ की अपनी एक ताकत है और आज हिंदू समाज को संघ की राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर जो एक मजबूती पूरे सारे देश में बनी है, ये इस बात का परिचायक है कि संघ विचार लोगों में बड़ी संख्या में स्वीकार हो रहा है। ये स्वीकार्यता संघ की बड़ी बड़ी मात्रा में होना, यही इस बात का परिचायक है कि ये जो निरंतरता संघ में बनी है, उस निरंतरता के कारण ये सारे संघ विचार समाज में स्वीकार्य हो रहे हैं, समाज में स्वीकार हो रहे हैं। संघ का जो विस्तार है उसके साथ विचार की स्वीकार्यता का दावा प्रशांत जी कर रहे हैं हमारे साथ में। लेकिन श्रवण जी, मैं आपके पास लौटता हूं और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वाकई संघ की स्वीकार्यता समाज में इतने बड़े स्तर पर हो गई है, या आप महसूस करते हैं कि पिछले दो दशक में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संघ का साथ सबसे ज्यादा मुफीद रहता है, इस दिशा में भी एक बड़ा वर्ग बढ़ चला है? क्या महसूस करते हैं आप इस संदर्भ में श्रवण जी, क्योंकि आपने तो बड़ी नजदीकी से संघ के विस्तार को देखा है पिछले चार दशक में, पांच दशक में। देखिए, एक तो संघ से जुड़े चार बड़े लोग हैं यहाँ और मैं अकेला एक व्यक्ति हूँ जिसका थोड़ा सा नजरिया अलग भी हो सकता है, भले छोटा ही सही पर मैं साथ में आपके खड़ा हूँ सर। नहीं, मैं पूरी बात को दो तीन हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। एक तो ये है कि देश का संघ के चुनाव से क्या लेना देना हो सकता है जी, मतलब कोई लेना देना नहीं है देश का जी। कांग्रेस सेवा दल के चुनाव से क्या लेना देना हो सकता है जी, या जमात के चुनाव से क्या लेना देना हो सकता है जी। तो देश को इस समय, मतलब संघ को, वो इस प्रकार से देखता नहीं कि कोई चुनाव हुए हैं जी, और इसलिए चुनाव का कोई इम्पैक्ट भी नहीं है जी आम नागरिक पर जी। दूसरा ये कि जो आम नागरिक है वो संघ और भाजपा को अलग करके नहीं देखता है जी, जबकि मैं, मतलब चूंकि एक उम्र के कारण भी और एक अनुभव के कारण भी, मतलब 50-55 साल का पत्रकारिता के अनुभव के कारण भी, मैं दोनों को अलग करके देखता हूं जी। अब आपके कुछ सवाल हैं जी, तो मेरे भी सवाल थे कि बेंगलुरु में क्यों किया गया जी, तो मैं उसको हितेश जी और दीपक जी और पूर्णेंदु जी जवाब देंगे। मैं ऐसे देखता हूं कि संघ को नागपुर से बाहर किया जा रहा है जी, संघ के प्रभाव को नागपुर से बाहर ले जाया जा रहा है जी। मतलब हसबोले जी का बहुत ज्यादा कर्नाटक से लेना देना है, वो कर्नाटक के हैं, और एक सर कार्यवाहक को भोपाल में स्थापित किया गया है जी, और उससे जुड़ा सवाल ये कि भैया जी जोशी को क्यों हटना पड़ा। मतलब चर्चा तो इस तरह की भी थी कि मोहन भागवत जी हट सकते हैं जी, पर ये इन तमाम चीजों का एक पत्रकार के नाते मेरा संबंध हो सकता है। मैंने जैसा कहा
कि आम नागरिक का इनसे कोई संबंध नहीं है। आम नागरिक का संबंध ये है इस लिहाज से है कि क्या संघ की नीतियों में कुछ परिवर्तन आ रहा है या आएगा। जी, मैं ऐसे देखता हूं कि अगर भाजपा को संघ की जरूरत है या संघ को अब ज्यादा भाजपा की जरूरत है, जैसा कि मैं देखता हूं। जी, क्योंकि 1980 के जमाने से हम बाहर आ गए कि जब जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए असफल हुआ था कि दोहरी नागरिकता का सवाल उस समय उठा था। जी, और उस समय जनसंघ के लोगों ने दोहरी नागरिकता के सवाल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सरकार छोड़ना ज्यादा पसंद किया। जी, आज एनडीए में दोहरी नागरिकता का कोई सवाल उठाते ही नहीं है। जी, एनडीए का कोई घटक, आज तो कोई घटक बचे ही नहीं, सब घट गए जितने थे घटक, तो अब सिर्फ एक घटक बचे हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टीकरण हो गया है। जी, नीतीश कुमार का। जी, इसलिए कुछ बचा नहीं है, सब घट गए घटक, पर जब थे तब भी कोई दोहरी नागरिकता का सवाल उठाया नहीं गया। जी, आप अगर देखें तो जो एक गूगल करने पर जो संख्या मिलती है, भाजपा के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ बताई जाती है। जी, और संघ के सदस्यों की संख्या 60 लाख बताई जाती है। जी, तो अब मामला यह है कि बड़ा कौन है और बड़ा भाई कौन बन गया है इन तमाम वर्षों में। जी, मैंने गुजरात में रहते हुए देखा है, और मैंने ये सवाल मैं सवाल क्या हुआ था और जवाब क्या मिला था उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। जी, पर मोहन भागवत जी से मेरी 1.5 घंटे जो बात हुई थी इंदौर में 2014 में। जी, तब मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, वो मैंने रखी थी, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया ये नहीं बता रहा हूँ। जी, मैंने कहा था कि मोदी जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया था, उस पर मेरा सवाल था। जी, कि मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में संघ को गुजरात से समाप्त कर दिया था, मतलब गुजरात का कोई प्रभाव बचने ही नहीं दिया था। जी, वहां और विश्व हिंदू परिषद को भी समाप्त कर दिया था, तोगड़िया की क्या हालत की थी आपको पता है। जी, तब ऐसी स्थिति में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना संघ के लिए कितना लाभ का या घाटे का सौदा रहेगा। जी, खैर, अब ये सवाल अपनी जगह है, मुद्दा यह है कि एक नई जरूरत इस चीज की है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी सेम पेज पर काम करें। जी, अब मैं एक आम नागरिक के लिहाज से नहीं बल्कि एक पत्रकार के लिहाज से, क्योंकि मैंने आपको कहा कि नागरिक का तो कोई लेना देना ही नहीं है इस पूरे प्रयास है, वो जो जैसा आपने भी कहा है कि एक सांप्रदायिक संगठन के रूप में ज्यादातर लोग देखते हैं, हालांकि भागवत जी के हाल के बयान अगर आप पढ़ें जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करने की बात कही है, मतलब एक बड़ा डिपार्चर आरएसएस की आइडियोलॉजी में हुआ है। जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की अब जरूरतें हैं पूरे देश में, उसमें संघ की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सीमित हो गई है। जी, पहली चीज। जी, और संघ का प्रभाव जिन राज्यों में है, हिंदी भाषी राज्यों में या कर्नाटक में भी, चूंकि होसबोले जी वहां के हैं और वहां सरकार भी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। जी, मतलब जो लोग संघ को कोसते थे, नकारते थे बंगाल में या केरल में, वो तमाम लोग भी ज्वाइन कर गए भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ के वर्तमान स्वरूप में चलना मुश्किल है, और होसबोले जी के नेतृत्व में जो चीजें बन रही है वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में एक नए सिरे से कोऑर्डिनेशन पैदा होगा, और जो नई टीम आई है उसमें उम्र भी काफी नए लोगों की है, नए सिरे से समन्वय की कोशिश होगी ये कहना है। लेकिन मैं वापस लौटता हूँ पुणेंद्र जी आपके पास, और आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त करने मात्र का संगठन का नाम नहीं है कि भाजपा में आपको कोई स्थान पाना है या सत्ता में स्थान पाना है तो आप अपने आप को संघ दीक्षित बता दें या संघ से जुड़े हुए बता दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान उसके विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से है, वनवासी कल्याण आश्रम, संस्कार भारती, सेवा भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, ऐसे तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जिस संगठन ने इस राष्ट्र की जड़ों को सिंचित किया है, इतने साल बाद भी
एक बड़े वर्ग के लिए यह संगठन अस्पृश्य क्यों बना हुआ है? कैसे आप अपनी विफलता, क्या इसे आप अपनी नाकामी या अपने लिए किसी चुनौती के तौर पर देखते हैं? मैं ये नहीं मानूंगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अस्पृश्य है जी। एक छोटा हिस्सा वो हमारे बारे में, जैसा प्रशांत जी ने कहा जी, जानबूझकर समझते हुए भी और एक विशेष प्रकार की पोस्चरिंग करता है जी, और हम उसको कुछ हद तक, चूंकि वो जगने वाले नहीं है इसलिए हम उनको हिलाते भी नहीं, जगाने की कोशिश भी नहीं करते। वास्तव में संघ की आप श्रवण गर्ग जी एक लंबे समय से देश की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले पत्रकार हैं और राजनीतिक विषयों पर उनकी विशेष गहन अध्ययन समीक्षा सब रहती है जी। परंतु संघ का अगर कोर ग्रुप, जैसा मैं महसूस करता हूं बहुत गहराई से जी, तो संघ का जो नेक्स्ट अनफोल्डमेंट होने वाला है, जो हमारा नया विकास होने वाला है, वह वास्तव में हमारी गतिविधियां हैं जी। संघ को अब बहुत शिद्दत से ऐसे महसूस होता है कि एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में जनसामान्य, बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग हमारे संगठन के प्रति एक अच्छा भाव रखते हैं और वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं जी। और ऐसी परिस्थिति में समाज एक हमारी जो इच्छा है समाज में सकारात्मक रूप, उसके लिए हम बहुत तेजी से आगे बढ़े, ये हमारी इच्छा है। हमारा उस विषय में, जैसे अपने भारत की एक प्राचीन सभ्यता है और उसके एक कुछ बड़े मजबूत संस्थान है, जैसे कुटुंब है जी, जाति बिरादरियां हैं, गुरु गद्दियां हैं, गांव है, गाय के आधार पर चलने वाली खेती है, पर्यावरण है जिसके प्रति भारतीय संस्कृति में बड़ा विशेष स्नेह और पूजा का भाव है। तो इन सब विषयों को लेकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए, परिवार स्थायी हो, परिवार में संस्कार बने रहें, जो सामाजिक समरसता का विषय है जी, जिसके लिए मोहन भागवत जी ने विशेष प्रयास किया है कि एक गांव में पीने का स्थान, जल पीने का स्थान, उसमें कोई भेदभाव ना हो, शमशान की जगह पर कोई भेदभाव ना हो, ऐसे जो हमारे कोर विषय हैं समरसता को लेकर के। ग्राम विकास के लिए इस वर्ष जो बैठक में हमने बहुत बड़ा समय दिया कि जो हमारे गांव हैं, जो हमारे भूमि पूजन का एक कार्यक्रम हमारे ग्राम विकास की तरफ से हम करने वाले हैं, जिसमें जो जमीन है जो विषाक्त होते जा रही है, उसमें जो रासायनिक जो कीटनाशक है उनकी जगह ऑर्गेनिक खेती हो, जिस प्रकार आजकल बैल की उपयोगिता खत्म हो गई है जी, और उसके कारण विविध प्रकार के गोवंश के परेशानियां उत्पन्न होती, तो किस प्रकार से एक सकारात्मक काल सुसंगत हमारी ये जो संस्थान है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, इसके लिए हम पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें राजनीति नहीं है, इसलिए मैं आश्चर्य नहीं करता कि लोग इसको देखते नहीं, इसके बारे में बोलते भी नहीं, परंतु संघ का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत चुनौती भरा कार्य है और हम लोग को बहुत ताकत के साथ इसमें जुटना है। मैं एक बार फिर दीपक जी आपके पास में आता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, और आपसे जानना यह है कि संघ ने तमाम प्रकल्प तैयार किए सामाजिक कार्यों के लिए, सांस्कृतिक कार्यों के लिए, संघ अपने आप को बताता भी सांस्कृतिक संगठन के तौर पर है। क्या आपको लगता है कि संघ की एक बड़ी भूल रही पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर एक राजनीतिक पार्टी को पोषित करने की, क्योंकि इसके चलते देश में जो बाकी राजनीतिक दलों से और राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं उनमें संघ को लेकर एक दुराग्रह रहा, उसके सामाजिक कार्यों को भी संशय की दृष्टि से देखा जाता है। क्या सोचते हैं आप, एक राजनीतिक पार्टी को संरक्षण और समर्थन देना ठीक निर्णय है या इस पर पुनर्विचार की कोई जरूरत संघ के स्तर पर महसूस की जाती है? क्योंकि जिस स्तर तक आपको अपने विचारों को पोषित करने वाला एक राजनीतिक दल एक मुकाम पर पहुंचाना था वो आपने पहुंचा ही दिया, क्या सोचते हैं आप? देखिए, बहुत एक अच्छी बात यह है कि 50-55 साल के पत्रकारिता जीवन के अनुभव के आधार पर श्रवण जी ने जो एक बात कही कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को अलग देखते हैं।
जब ये इतना लंबा अनुभव जो राजनीतिक क्षेत्र पर ही पूरा पत्रकारिता करते रहे हैं, उनका ये अनुभव है, तो ये तो स्पष्ट रूप से आज देश दुनिया समझ रही है कि संघ का मूल काम जो है वो समाज में काम है, और समाज के जितने भी आयाम है संघ उसमें कार्यरत है। पर भारतीय जनता पार्टी को लेके जो पृथकता का भाव वो प्रकट करते हैं, वस्तुतः यह आवश्यकता बाकी राजनीतिक दलों की भी है कि वो अपना उस दृष्टिकोण को भिन्न करें। संघ ने यदि 1975 में आपातकाल के समय यदि किसी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी तो नानाजी देशमुख ने निभाई थी, और उन्होंने सब भिन्न भिन्न दलों के लोगों को जोड़ के एक जनता पार्टी बना दी थी। तो ये बनाने का पीछे कारण क्या होगा कि अल्टीमेटली उनका उद्देश्य था लोकतंत्र बचे, देश बचे। तो संघ तो इस प्रकार के कार्य में सभी की सहायता करने को सदैव तत्पर है। एक ही चीज संघ के साथ है कि वो है राष्ट्र सर्वोपरि। और जहां तक अब इम्पैक्ट का सवाल है तो देश नहीं दुनिया भर के लोगों की आकर्षण, लोगों का ध्यान संघ की तरफ जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अन्यथा टाटा, रतन टाटा जी संघ के मुख्यालय आकर संघ को क्यों जानने की कोशिश करेंगे? अमीन प्रेम जी, आज इतना बड़ा उनका संस्थान है, वो संघ के जो सेवा कार्य हैं उनके कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं, आते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये आप इस प्रकार से कार्य क्यों कर रहे हैं। दे आर नॉट दी पॉलिटिकल पीपल, वो सब ये देखते हैं कि भाई आपके इतने सारे जो काम चल रहे हैं इनके मोटिव्स क्या हैं, इनके पीछे प्रेरणा क्या है, और ये कैसे आप सब सफलतापूर्वक करते हैं। एंड अकेले ये नहीं है, मतलब ये तो मैंने आपको उद्योग जगत के बताए, अब इसरो के पूर्व चेयरमैन माधवन नायर साहब आते हैं, वो देखते हैं। तो एक सीरीज है, ऐसे बहुत सारे लोग समाज के जो अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं वो सब ये देखते हैं, और वो सब उसके साथ जुड़ना भी चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, उसकी शक्ति का उपयोग करना भी चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के क्षेत्र में, समाज के आवश्यकता जिन जिन क्षेत्रों में है वहां जिसकी जिसको आवश्यकता है, जैसी भी सहायता की आवश्यकता है, संघ भी देता है, संघ सहायता भी लेता है। और इम्पैक्ट का जो सवाल आता है, अभी संख्या की दृष्टि से बताया कि भारतीय जनता पार्टी के इतने करोड़ सदस्य हैं, संघ के सदस्य इतने, संघ के सदस्यों का मैं समझता हूं कि संख्यात्मक रूप से देखने की जगह उसको गुणात्मक रूप से देखना चाहिए। जैसे आपके पास यदि 1000 लीटर दूध भी है और उसमें यदि आपने 2 किलो दही डाल दिया तो पूरा दूध दही जम जाता है। संघ के कार्यकर्ता का आदेश उतना ही है, वो अपने आचरण के द्वारा ऐसा एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो सद्गुणों से संपन्न हो। अन्यथा 44 दिनों का एक जो अभी काम लिया समर्पण का कार्य, वो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास ने लिया, पर ये जो ताकत सज्जन शक्ति की देश में लगी, 44 दिनों के अंदर देश के 12 करोड़ घरों तक पहुंच गए। आप जरा कल्पना करिए, ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, ये इसके लिए जो संघ ने प्रस्ताव पारित किया है, ये भारत की अंतर्निहित शक्तियों का प्रगटीकरण है। और अंतर्निहित शक्तियां जो हैं, ये हमारी ऋषि परंपरा से आती हैं। एक काल था जब ऋषियों ने वेदों की रचना करी और वो हमारी सारी जीवन पद्धति बना। 6वीं शताब्दी में वो आदि शंकराचार्य जी ने करा, फिर महर्षि अरविंद आए, फिर विवेकानंद आए 1925 के बाद। अब ऐसा लगता है कि ये जो सारा कार्य है, ये सारा कार्य अब संघ के रूप में हो रहा है। और संघ इस प्रकार से, इस कलेक्टिव जो एक हमारी सनातन परंपरा है, जिसको हिंदू परंपरा भी कहते हैं, वो इसका एक विस्तार कर रहा है। और राजनीतिक दृष्टि से अकेले उसको देखेंगे तो शायद थोड़ा सा हमारा उसको समझने में वो आएगा। और संघ हमेशा ये कहता है, जितने लोग भी आलोचना करते हैं या उसके टीका टिप्पणी करते हैं, संघ ये कहता है कि संघ को समझना है तो संघ के पास आइए, संघ की शाखाओं में आइए, यहाँ सब कुछ खुला है। तो मुझे लगता है कि एक दृष्टि का बदलाव ये देश में भी हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। जितने दुनिया भर के अच्छे लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं या जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, वो सब इस प्रकार की स्टडीज कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो अब इस प्रकार के, इवन संघ के ऊपर पीएचडी करने वाले लोग भागे। तो परिवर्तन संघ के अंदर किसी चुनाव का हुआ, उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से समाज पर नहीं होना चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। वो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है, उसकी एक पद्धति है, उसके अनुसार उसका प्रभाव कैसे नहीं होगा। दीपक जी, इतना बड़ा संगठन है, सांस्कृतिक कार्यों के लिए सन्नद्ध है, अगर उसके दैनिक कार्यों को संचालित करने वाला मुखिया अगर परिवर्तित हुआ है तो उसके चलते समाज में परिवर्तन नहीं आए, ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम। पर मेरा जो सवाल था उसका उत्तर आपने दिया नहीं। मेरा ये सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय हिस्सेदारी, भागीदारी बाकी राजनीतिक दलों के मन में संघ के प्रति बैरभाव पैदा करती है। क्या पिछले 7 दशक का ये अनुभव संघ को अपनी दिशा बदलने के संदर्भ में विचार करने के लिए कहीं प्रेरित करता है, या लगता है कि भाजपा को सिंचित करते रहना भी संघ का दायित्व है और वो इस दायित्व का निर्वहन करती रहेगी? नहीं,
नहीं, मैंने इसकी इसके उत्तर की शुरुआत यहां से की थी कि 1975 और 77 का दौर हमारे सामने है कि जब अनेकों दल थे उस समय, जब दल चले सब जेल के अंदर थे तो संघ ने वो भूमिका निभाई थी, नानाजी देशमुख ने वो कार्य किया था, सबको मिलाया था, और जब जितने लोग सब साथ आए उनको लगा कि नहीं, हाँ संघ इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आवश्यकता मुझे लगता है राजनीतिक दल, दीपक जी आपको रोकता हूं चुनाव की, क्योंकि आपने श्रवण गर्ग जी के उल्लेख को लेकर इस उदाहरण को देना चाहा है, तो श्रवण जी ने अपनी बात इसके साथ पूरी की थी कि 1980 में दोहरी सदस्यता के आधार पर ही वो विखंडित हो गई। क्या कुछ संघ के संदर्भ में ऐसा आपत्तिजनक लगा जो साथ आए थे कि उन्हें लगा कि ये लोग जो आए हैं ये संघ के साथ रहेंगे तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे? नहीं, एक चीज समझने की आवश्यकता इसमें कि 80 के दौर में ये जो जिस प्रकार का वो जो सब लोग जुड़ के जिन्होंने सरकारें बनाई थी उनमें खुद में पदों के लेके संघर्ष हुआ, और वो दोहरी नागरिकता का शब्द का प्रयोग किया श्रवण जी ने, वो दोहरी सदस्यता का था। तो उस समय अटल जी ने जो कहा था वो बहुत उसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा भाई ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी, राजनीतिक दल भी रहेंगे, देश बना रहना चाहिए, पर हमारी पहली प्राथमिकता जो है हमारा विचार है, और हमारा विचार की यदि पोषित करने वाली कोई संस्था है, कोई मात्र संगठन है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हम उसकी सदस्यता को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाते। संघ में सदस्यता जैसा कुछ होता ही नहीं है कि कोई सदस्य बन गया संघ का। भाई जो आ गया, जिसने ध्वज को प्रणाम कर लिया, जिसने भारत माता की पूजा कर ली, जो भारत माता को अपना मानता है, वो संघ का स्वयंसेवक होता है। आज की तारीख में भी जो सरसंघ चालक जी कहते हैं कि हिंदू कौन है, सब हिंदू हैं, तो वही भाव उस समय भी था। उन्होंने कहा कि भाई हम सत्ता छोड़ सकते हैं, पर आप कहोगे कि संघ को छोड़ दो, वो संभव नहीं है। हम सत्ता छोड़ सकते हैं, संघ को छोड़ दो ये संभव नहीं है। लेकिन मैं हितेश जी आपके पास आता हूं, और जिस प्रचारकों को संघ गर्वित होता है, जिन प्रचारकों को देश में एक बड़ा वर्ग अजूबे के तौर पर देखता है, और इसलिए देखता है कि इतने प्रतिभा संपन्न, इतने गुणी, इतने शिक्षित लोग सब कुछ त्याग कर राष्ट्र निर्माण के लिए बतौर प्रचारक अपना जीवन होम करते हैं, पर पिछले एक डेढ़ दशक में ये तमाम प्रचारक पदों पर जो पहुंचाए जा रहे हैं, इसको लेकर संघ कितना चिंतित है? जो लोग प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, जो लोग संगठन मंत्री हुआ करते थे, वो आजकल मंत्री और मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। एक लंबी श्रृंखला चल निकली है। संघ चिंतित है इस लोभ की वृत्ति के संदर्भ में, इस पद के संदर्भ में, आकर्षण पैदा होने के संदर्भ में कितना चिंतित है संघ, या संघ निर्लिप्त है, जो हो रहा है होने दिया जाए? हिमांशु जी, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर देता हूं, और बातचीत में एक और प्रश्न जो छूटा है जी, आज उस प्रश्न का उत्तर भी आपके चैनल से मैं चाहूंगा कि लोगों तक पहुंचे, और वी वुड लाइक टू सेटल इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल जी। आपने गांधी जी की हत्या का संदर्भ दिया था जी, और कि संघ बैकफुट पर रहता है, ऐसा मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस मामले में संघ कभी बैकफुट पर नहीं रहता। और अगर आप कहें कि नाथूराम गोडसे को उसको प्रेज करते हैं और गांधी जी को हेय दृष्टि से देखते हैं, तो मैं आपके चैनल पर ये स्पष्ट कहता हूं कि गांधी जी की हत्या नितांत निंदनीय कृत्य है, और नाथूराम गोडसे का ये कृत्य किसी भी दृष्टि से कभी मैंने नहीं सुना कि संघ में सही ठहराया गया, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। दूसरी बात कि जो दूसरा स्टैंड है कि जिस तरह नाथूराम गोडसे उस हत्या के लिए जिम्मेदार थे, मैं इसे जब देखता हूं थोड़ी गहराई से, तो मैं उसके लिए नेहरू जी को भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूं। और जो मैं जिम्मेदार मानता हूं, तो उसका आधार वो जजमेंट है, जो आत्मा राम जी का जो जजमेंट है, वो इस देश को पढ़ना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। गांधी जी की हत्या एक झटके में नहीं हो गई थी, उसके लिए पहले भी जो लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे थे उन्होंने ऐसा प्रयास किया, और सरकार के पास जानकारी थी, मुंबई में लोग पकड़े गए थे, दिल्ली में जानकारी थी, वहां जो फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि अगर सरकार चाहती तो गांधी जी की हत्या टाली जा सकती थी। तो गांधी जी की हत्या, तो जी मैं एक सवाल कर लेता हूं, क्योंकि जब आपने कहा कि मैं सारे मिथ्या जो सोच है उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तो इसके लिए आप केवल नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं, या उस समय इस देश के जो सम्मान्य गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम था, देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, उनको भी समान रूप से हितेश शंकर जी जिम्मेदार मानते हैं? मैं बताता हूं इसको। ये जो टिप्पणी है, मैं उस टिप्पणी के संदर्भ में ही कहता हूं कि उसमें सरकार का उल्लेख है, सरकार के मुखिया के तौर पर जैसे जिम्मेदारी की बात होती है, और ये बहुत सारे पत्र हैं कि नेहरू जी सरदार पटेल की जानकारियों को उपयोग नहीं कर रहे थे, उनकी जानकारियों का लाभ नहीं उठा रहे थे, उस पर एक्शन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मेरा ये जी।
कहना कि ये एक आप अलग से शो रखिए इस पर, ये से या और भी चीज थी, ये एक पहली चीज हो गई। दूसरा आपने जो कहा कि क्या संघ इसको लेकर कोई चिंतित रहता है, वो मुझे लगता है कि चिंता की बात नहीं। आपने आपने कहा कि बहुत से प्रचारक बहुत सारे पदों पर जा रहे हैं और एक राजनीतिक दल से क्या ये जुड़ाव संघ इसको कैसे देखता है, दोनों चीजों को दोनों जुड़े हुए प्रश्न है। इसलिए मैं बताऊं कि कोई और नहीं, खुद सरसंघ चालक जी ने कई बार ये कहा है, भैया जी जोशी उनके बोलने में भी ये बात कई बार आई है कि हम किस दल से दूर हैं, किस दल ने अपनी आवश्यकता बताई कि हमें इस काम के लिए व्यक्ति चाहिए और आपका प्रचारक चाहिए और हमने मना किया हो, बीएसपी ने मांगा हो हमने मना किया हो, कांग्रेस ने मांगा हो हमने मना किया हो, जो मांगता है हम उसे देते हैं। अब इसमें बाकी पहले तो मांगना नहीं और फिर पेट में मरोड़ उठना, ये राजनीति का एक स्वभाव हो सकता है और पत्रकारिता को इसका भी मुझे लगता है विश्लेषण करना चाहिए। संघ ने तो मना नहीं किया, संघ का तो गीत है कि दसों दिशाओं में जाएं और घन बादल से गिराएं, यानी कि कोई एक नहीं, आप मांगिए उस विचारधारा वाला व्यक्ति आपको चाहिए और आपको लगता है कि संघ से मिल सकता है तो मांगिए ना। आपको अगर राष्ट्रीय विचार लगता है, ओवैसी की पार्टी को लगता है, तो इंद्रेश जी से आग्रह करना चाहिए उन्हें कि हमें इस विचार के कुछ लोग चाहिए, मैं तो कहता हूं ये बात। तो ये दूसरी बात है, इसमें चिंता की बात नहीं है। और तीसरी बात मैं और कहता हूं कि जो संघ की संख्या बहुत सीमित है ये कहा जाता है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। अगर संख्या उसकी इतनी ही सीमित होती तो उस पर इतने घंटों की साल भर चर्चाएं नहीं हो रही होती, संघ की स्थिति होती। आप अगर इस जनसंख्या की दृष्टि से अगर इस फैलाव को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि 1% दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है, जो आबादी की दृष्टि से 2027 तक दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाने वाला है, उसकी 1% जनसंख्या को छूने वाला जो संगठन है, अगर उसकी रफ्तार कम है तो मैं इसे ऑर्गेनिक रफ्तार मानता हूं। किसी आंदोलन के लिए, किसी पॉलिटिकल विचार के लिए लोकप्रियता की जब आंधी चलती है तब कुछ संक्रमण की गति से विचार बढ़ते हैं, सदस्यता बढ़ती है, ये सारी चीजें होती है। मगर जब आपको संगठन चलाना होता है, कोई एक शाखा चलानी होती है, तो उस शाखा की संख्या प्रतिदिन 100-150 नहीं हो सकती, वो 5 और 7 बच्चे ही आपको दिखाई देंगे। ये डॉक्टर साहब के साथ भी था, जब 5-7 बच्चे आते थे तो लोगों ने कहा कि ये डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ के आए और हेडगेवार जी का तो दिमाग खराब हो गया, ऐसी टिप्पणियां भी लोगों ने कही कि दिमाग चल गया इनका और ये बच्चों को कसरत करा रहे हैं। मगर वही बच्चों ने ये देखिए, आज दुनिया बदली है, देश बदला है, सारी परिस्थिति है, तो मैं इसे ऑर्गेनिक स्प्रेड मानता हूं। दूसरी बात, प्रचारकों की अगर और किसी को आवश्यकता तो उनको मांगनी चाहिए। और तीसरा, मिथ्या आक्षेपों से बाहर आने के लिए खुलकर चर्चा करने का मंच भी इस देश में विमर्श का बनना चाहिए, ये एक चीज है। और एक बात और कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि कहा जाता है कि राजनीतिक आईने से संघ को देखना और हर चीज की टीका टिप्पणी उसी तरीके से लेना, मैं इसे मानता हूं कि मान लीजिए मैं सुबह की सैर पर निकलता हूं जी, और आपका घर मेरे रास्ते में पड़ता है, तो मैं देखता हूं आप लॉन में बैठ के चाय पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं जी। तो अगर हम दोनों अपने एक दूसरे के बारे में ये राय बना लें कि आपसे पूछें कि हितेश जी क्या करते हैं, ये वो तो घूमते रहते हैं, और मैं मुझसे पूछा जाए कि हिमांशु जी क्या करते हैं कि वो तो अखबार पढ़ते हैं और चाय पीते रहते हैं, तो भाई साहब ये आकलन ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम जिस समय पर जा रहे हैं, जिस समय पर देख रहे हैं, वो घूमने का, अखबार पढ़ने का या चाय पीने का समय है। इसलिए सिर्फ चुनाव के समय पर संघ की चिंता करना, मगर वनवासी कल्याण के लिए वो क्या कर रहा है, अंधता मुक्ति के लिए क्या कर रहा है, बाकी समय पर आप नहीं देखेंगे, मगर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद संघ क्या कर रहा है वो प्राइम टाइम डिबेट होगा, तो फिर वही होगा कि जी हिमांशु जी तो हर समय चाय ही पीते रहते हैं जी। हितेश जी ने काफी सारे सवालों को उत्तर दे दिया, लेकिन हितेश जी का उस संदर्भ में उत्तर अभी तक नहीं मिला हितेश जी, इसलिए बात बुरी नहीं हुई। फिर से सवाल को दोहराता हूं, ये बड़ी संख्या में प्रचारक जो पद रहित भावना के तहत पहचान रहे संघ की, भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम लोग संगठन मंत्री के तौर पर काम किए लेकिन कभी मंत्री या मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नहीं दिखे, पर पिछले कुछ समय से दौर यह है कि किसी भी प्रांत प्रचारक को भविष्य में अब मुख्यमंत्री या मंत्री के तौर पर देखा जाने लगा है, आने वाले समय में ये किसी ना किसी पद पर शोभा बढ़ाते हुए मिलेंगे, ये एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को संघ सराहता है, इस परिवर्तन को संघ प्रोत्साहित करता है, या संघ को लगता है कि नहीं नहीं इस पर कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है, ये एक सवाल है जनसाधारण के मन में या उन लोगों के मन में, श्रवण जी के शब्दों में कहे, जिनकी राजनीति में रुचि है, जिनकी भाजपा में रुचि है, कुछ उत्तर मिल सकता है हितेश शंकर जी से? जी निश्चित तो इसका उत्तर मिल सकता है और उत्तर मिलना ही चाहिए, हम इसीलिए बैठे हैं सब लोग। और मुझे लगता है कि दो उदाहरण अगर आप देखेंगे, तो
पहली बात जब दीपक जी ने शुरू की थी तो एक बहुत महत्व की बात कही थी कि पद और दायित्व का अंतर होता है। पद की दौड़ में आप लग के और फिर वहां पर बड़ा कॉन्टेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। मगर सहमति से नाम बढ़ना और आपको दायित्व की तरह से ही काम करना है। आप चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, या देश के नेतृत्व की बात करें, एक जगह पर आप जाते हैं तो आपको उस संगठन के हिसाब से चलना होता है। और जब उस संगठन में दे दिया तो आप फिर उसकी रीति नीति, उसका संविधान, उसके तौर तरीके, उस तरीके से आप काम करते हैं। मगर इसका कोई अंतर प्रचारक पर नहीं पड़ता। इसके दो उदाहरण देता हूं कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा भाजपा में और भाजपा की रीति नीति से निकल कैसा, तो रामलाल जी वहां संगठन मंत्री थे, यहां पर आए, संपर्क का काम उसी तरीके से संपर्क का काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख थे, अभी संपर्क प्रमुख हो गए। राम माधव जी सरकार में थे और पूर्वोत्तर का काम देखा, जम्मू कश्मीर का काम देखा, और उसके बाद में आज संघ की आवश्यकता हुई तो वापस संघ का काम वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो इसको देखने की जो दृष्टि है वो हमें थोड़ा सा ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने दृष्टि ठीक कैसे करो। हितेश जी, आपने दोनों उदाहरण दिए, वो संगठन से जुड़े ही हुए। हमारा सवाल तो सत्ता को लेकर था ना। हम तो बात कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए, मनोहरलाल खट्टर जी के लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के विकल्प पर भी दो ही नामों पर विचार हुआ, धन सिंह रावत पर हुआ, तीरथ सिंह रावत पर हुआ, जिन्होंने पूरी जिंदगी राजनीति करने में खपा रखी है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ सक्रिय हैं। वो देख रहे हैं जो संगठन को गढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं वही अब पद पर जा रहे हैं। पहले ये मुख्यमंत्री बनाया करते थे, पहले ये प्रधानमंत्री बनाया करते थे, पहले ये सांसद बनाया करते थे, अब यही लोग हो जाते हैं। इस वेदना के संदर्भ में, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं की बेचैनी के संदर्भ में, हितेश शंकर जी कुछ स्वतंत्रता के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा है कि अगर ये वेदना कहीं भाजपा से आई होती तो मैं कह नहीं सकता, मगर जो पत्रकारिता का नारदीय सूत्र है वो थोड़ी सी वेदना, चिकोटी काटना ये अपनी तरफ से भी पैदा करता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। संघ में ऐसी वेदना दिखाई दी हो या फिर भाजपा में ऐसी चटपटाहट दिखाई दी हो, ऐसा नहीं है। और जब जिस संगठन में जो व्यक्ति दे दिया तो वहां के दायित्व के लिए दे दिया। अगर वापस आएगा कोई और फिर वो कहे कि नहीं मुझे तो भाजपा में ही जाना है, ऐसा एक भी उदाहरण आता हो, तब फिर हमें इस संदर्भ में मुझे लगता है ये प्रश्न बनेगा कि कोई वापस आया और उसके मन में भाजपा है और संघ को नकारना, तब ये प्रश्न थोड़ा सा बनेगा। फिर देखना होगा कि संघ को नकार के भाजपा में चलेगा कैसे। इस प्रश्न का उत्तर तो कोई ना खोज पाएगा, लेकिन बहरहाल मैं प्रशांत जी के पास में आता हूँ। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि एक संगठन जिसने समाज और राष्ट्र के निर्माण को अपना ध्येय बना रखा है, उसके संदर्भ में आज भी राजनीतिक दलों को जो भाजपा के विरोधी हैं वो संघ को बड़ी ही नाराजगी के साथ, बड़ी ही कटुता के साथ, बड़े ही आरोपों की दृष्टि के साथ देखते हैं। इसका प्रतिकार करने के लिए क्या संघ अपने स्तर पर कोई योजना बना रहा है कि लोगों में वस्तुस्थिति बन पाए, लोग सत्य को जान पाए, लोग सत्य के प्रति आग्रही हो पाए, ताकि इस कुप्रचार से संघ बच सके, निकल सके, कुछ कहेंगे? जी, अच्छा प्रश्न है आपका। जी देखिए, संघ का जो मूलभूत सूत्र है जी, जो हमें ठीक से समझना चाहिए, वो सूत्र ऐसा है कि संघ समाज का संगठन करता है जी, समाज में संगठन नहीं करता जी। ये बहुत कठिन है समझने के लिए। अभी तक जितने भी संस्थाएं बनी हैं वो समाज का एक हिस्सा रही जी, लेकिन ऐसा दूसरा विश्व में शायद कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पूरे समाज के संगठन की बात करता है जी। और इसीलिए मैं उसी आपके मुद्दे पर आता हूं जी, और इसीलिए जिस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक दल संघ का विरोध करते हैं जी, उनको भी अपने विचार में लाकर उनका संगठन बनाना जी, यही तो संघ का मूल उद्देश्य है जी। और ये जो विरोध हो रहा है, इस विरोध को भी हम समझें जी। कई अनुभव ऐसे हैं, अभी तो ये जब जनसंपर्क अभियान चला श्री राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में जी, उस समय अनेक विविध जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, उनके नेताओं से मिलने का सौभाग्य मिला संघ के स्वयंसेवकों को, तो लगभग सभी ने कहा कि मन में तो हम भी चाहते हैं श्री राम जी का मंदिर बने, मन में तो हम भी चाहते हैं कि संघ का कार्य बढ़े, लेकिन हमारी कुछ पॉलिटिकल मजबूरी है। अब वो मजबूरी क्या है, तो कुछ संगठन शॉर्ट, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज शॉर्टकट लेने के लिए माइनॉरिटीज को इकट्ठा करना चाहती है, या उस प्रकार का एक भूमिका लेकर
वो चाहती है कि वो जो एक पोलराइजेशन हो जाए उन मतों का, उन मतों के आधार पर हम जीत जाए। अभी तक पिछले राजनीतिक अगर दृश्य में हम देखें, अभी तक उनको इस प्रकार से यश मिलता था जी, तो उनको लगता है कि यही फॉर्मूला शायद अच्छा है, और उसके लिए अगर पोलराइजेशन करना है उस प्रकार का तो संघ का विरोध करो। ये पहली बात जी। दूसरी बात, अनेक ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि ये पूरा सारा देश एक सक्षम रूप से और एकजुट होकर खड़ा रहे, तो वो ताकतें, वो शक्तियां, वे देश अपना यहां पर एक प्रभाव जमाना चाहते हैं, और वो प्रभाव कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में भी है जी। उस दृष्टि से भी वो संघ का विरोध करती है, क्योंकि संघ एक अकेला ऐसा संगठन है उस प्रकार से जो सारे देश को एकजुट करना चाहता है, इसलिए ये विरोध तो होगा। लेकिन विरोध होने के बाद भी इनमें से कई लोगों के ध्यान में आएगा कि अगर देश हित में अगर हमको बात करनी है तो इस विचारधारा के पास आना पड़ेगा। देश हित में अगर बात करनी है तो इस विचारधारा के पास आना पड़ेगा, लेकिन इस विचारधारा के पास आएंगे कैसे, यह सवाल लेके मैं श्रवण गर्ग जी के पास आता हूं। और यह सवाल श्रवण जी इसलिए है कि संघ से जुड़े हुए तमाम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं है, विस्तार में है, प्रसार में है, पर प्रचार में नहीं है। अब प्रचार का विरोध भाव रखते हुए लोगों तक अपने विचार को पहुंचाया कैसे जाएगा, इस उत्तर को श्रवण गर्ग जी के द्वारा ही शायद सुलझाया जाएगा। थोड़ा रोशनी डालेंगे श्रवण जी, क्योंकि संघ प्रचार के संदर्भ में अमूमन संघ लोग इस संदर्भ में बड़ी हे दृष्टि के साथ बात कहते हैं, नहीं नहीं हमारी प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं है। बड़ा ही दुर्लभ क्षण होता है जब संघ के पदाधिकारी मीडिया के साथ संवाद कर लें, मीडिया के साथ बात कर लें। क्या कहेंगे श्रवण जी, संघ बचता क्यों है? मैं एक तो पहले दीपक जी ने मेरा उल्लेख किया उसका थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं जी, कि देश संघ और भाजपा को एक ही मानता है जी, मैं अलग अलग मानता हूं जी। मतलब देश की नजरों में वो मानते हैं कि ये तो सब मिले जुले लोग हैं जी, और एक ही हैं, मैं अलग अलग मानता हूं। मैं क्यों अलग अलग मानता हूं वो थोड़ा बता दूं आपको जी, कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 सालों में 7 सालों में काफी ओपन हो गई है जी। मतलब अब जैसे गिरजाघरों के बाहर लिखा रहता है ना कि मेरा घर सब ईश्वर का घर है, जो चाहे सो आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं जी। उसमें अब कोई भेदभाव नहीं रहा कि आप ईसाई हैं, मतलब केरल में ईसाइयों के साथ बात चल रही है, कहीं मुस्लिमों के साथ बात चल रही है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से राष्ट्रीयकरण हो रहा है जी, और संघ अभी अपने पुराने ख्यालात में अभी भी मानते हैं लोग कि उसने केवल अपनी ड्रेस चेंज की है, अपना दिमाग चेंज नहीं किया है, अपनी कार्य शैली चेंज नहीं की है। और आज भी कहा मेरे मित्रों ने कि सदस्य होना उतना जरूरी नहीं है जितने हैं, तब आपने अपनी सदस्यता खोली कहाँ है? आप तो बिल्कुल कट्टर हिंदुओं को सदस्य बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं है जी। आपके यहाँ कोई मुस्लिम तो सदस्य बन नहीं सकता जी, कोई ईसाई सदस्य बन नहीं सकता, और आप इन लोगों को भाषण देने के लिए जरूर बुला सकते हैं, ये मैसेज देने के लिए कि देखिए ये सब लोग हमारे साथ हैं। मैं एक सवाल पर आता हूं, हो सकता है हितेश जी या प्रशांत जी या दीपक जी, जो लोगों के दिमाग में है वो मेरा एक सवाल है कि मेरे जैसे लोगों को, मेरी उम्र के या मेरे जैसे पत्रकारों के, कि भारत संघ में दो तरह के गुट हैं जी। एक गुट है वो मोदी के समर्थन में है प्रधानमंत्री के, और दूसरा गुट प्रधानमंत्री के समर्थन में नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के विरोधी नहीं कह रहा हूं जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई चीज है? क्या राम माधव को जब बहुत पॉलिटिकली बहुत एम्बिशियस होने लगे तो उनकी संघ में वापसी कर दी गई जी। उस बात को 3 साल हो गए, 2 साल हो गए जी। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया, किस तरह, मैं उसका उदाहरण नहीं देना चाहता जी। और अब उनकी संघ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वापसी हुई है जी। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अटैक करते रहते हैं जी, गुरुमूर्ति लगातार अटैक करते रहते हैं, संजय जोशी संघ के प्रचारक हैं और मोदी जी के साथ के हैं, मतलब दोनों एक समय के प्रचारक हैं जी, साथ में काम किया है,
मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसा है क्या संघ में, क्या कुछ ऐसा है क्या, ये श्रवण जी का सवाल है। मैं पूर्णेंद्र जी के पास आता हूं, लेकिन मैं एक बार जरूर श्रवण जी आपसे जानना चाहूंगा पूर्णेंद्र जी जवाब के बाद, कि आपको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई ऐतराज है क्या, कि अगर संघ में रहते हुए क्या ये अनिवार्य शर्त है कि आपको मोदी की जय जयकार ही करनी है, या मोदी जी के प्रति असहमति रखते हुए भी रहा जा सकता है। ये मेरा सवाल आपसे होगा, लेकिन पूर्णेंद्र जी दो सवाल आपसे हैं जो श्रवण जी ने उठाए, कि संघ के अंतर्गत किसी मुसलमान को किसी ईसाई को सदस्यता नहीं मिल सकती, ये श्रवण जी ने कहा है, ये पहला सवाल। और दूसरा, क्या मोदी की प्रति असहमति रखते हुए भी संघ में लोगों की मौजूदगी है, क्या दो गुट हैं? दोनों सवालों के उत्तर आपसे। देखिए, पहला सवाल जो है कि मुसलमान या ईसाई संघ में आ सकते हैं क्या जी, तो संघ किसी को आने से रोकता नहीं जी, वो आते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, इस मातृभूमि के प्रति अपना नमन करते हैं, अपने को इस देश की साझी विरासत का और हिस्सा मानते हैं, इस देश के पुरखों को अपना पुरखा मानते हैं, इस देश की संस्कृति को अपना संस्कृति मानते हैं, तो हम उनको उसी भांति लेते हैं जैसे कि और कोई संस्कृत है जी। हम किसी को ईसाई के रूप में या मुसलमान के रूप में नहीं लेते जी। तो और इस लिहाज से आप देखेंगे तो बहुतेरे स्थानों में आज की तारीख में संघ में अन्य प्रकार के, जिसको आप ईसाई या मुसलमान, ऐसे लोग आते हैं, उनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है, परंतु उनको हमारी तरफ से दरवाजा बंद है ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु हमारा उनके प्रति कोई आप भी आइए, आप आइए, आप विशेष रूप से इस प्रकार से आइए, ऐसा नहीं, जैसे सब हैं वैसे वो भी हैं, ये हमारा मत इस विषय पर है जी। दूसरी बात नरेंद्र मोदी के संदर्भ में है, मैं फिर से मैं के बारे में ये चर्चा चल रही है जी, मैं आप सब लोगों से पूछूंगा कि ये जो अपने घंटे भर की चर्चा है उसमें कितना समय आपने राजनीति के बारे में बात की और कितना समय आपने अन्य विषयों पर बात की जी। यह ऑब्सेशन जो है संघ के बारे में राजनीतिक नजरिए से ही देखना, यह ऑब्सेशन समाज से हटना चाहिए जी, और संघ को उसकी समग्रता के साथ जब विचार करेंगे तब फिर ये सवाल कितना निरर्थक है इसके बारे में आपको प्रतीति होगी, और जो निरर्थक है उसके बारे में बहुत समय खराब करना, ये संघ की एनर्जी खराब करने के बड़ा, इतने महत्व के काम इस देश में करने के लिए बाकी हैं, समाज में करने के लिए बाकी हैं, वैसी परिस्थिति में यदि मीडिया और समाज हमारी ताकत को बार बार राजनीति की तरफ, तो कई बार हम स्वयं इस विषय में चुप होना पसंद करते क्योंकि हम सबकी तो पूर्णेंद्र जी का यह कहना है कि संघ अमूमन राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बनना पसंद नहीं करता, लेकिन सवाल इस बात का है कि देश की सरकार किसकी बने, अगर इसमें किसी संगठन की भूमिका रहती है तो देश से ये उम्मीद कैसे है कि वो इस विषय पर चर्चा नहीं करेगा। संघ की अपनी अपेक्षा हो सकती है पर देश के लोगों की अपनी जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा का समाधान होना जरूरी होता है। लेकिन एक बात तय है कि संघ का आशय महज एक राजनीतिक दल नहीं है, संघ का इतिहास 95 साल का है और 95 साल के इतिहास में इस देश की जड़ों को सिंचित करने का काम इस संगठन ने किया है। बेहद जरूरी है कि इस संगठन को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जाए, जाना जाए, जिया जाए और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। संघ संगठन इतना बड़ा है कि इस पर विस्तार से चर्चा के लिए 1 घंटा पर्याप्त नहीं, मौका आएगा हम फिर जुड़ेंगे, फिर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन समय है आज के शेर का। जिस तरीके से संघ को लेकर देश में दो विचारधाराएं परस्पर विभाजित होती हैं, उन्हीं को समर्पित हमारा आज का शेर बशीर बद्र का दिया हुआ, वो लिख के गए हैं हमारे लिए कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बशीर बद्र ने जो ये लिखकर हमें दिया है इसे सहजने की और जीने की वाकई जरूरत है। उम्मीद है हम सब ये कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।